वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट से करूँगा, मेरी खुद की ज़िंदगी का तजुर्बा है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करो उसको उस हिसाब से करो कि आपको फिर से उसको करने की ज़रूरत ना पड़े। इतने अच्छे तरीके से करो, इस अंदाज़ में करो, आपको फिर से मोड़ करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे मेरा मकसद है आपको उस अंदाज़ में इंग्लिश सिखाने का, ताकि आपको फिर से कोई किताब भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े, ग्रामर बुक को भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। आज Part-5 में आप सभी का वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमन, ग्रामर सीरीज़ के Part-5 में, जिसमें आज टेंसेस चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। आप सभी का वेलकम है। आज के इस पार्ट के बाद टेंसेस पूरे हो जाएंगे, इसके इमीडिएटली बाद आप एरर्स देखेंगे टेंसेस पे। आज शाम में या कल सुबह में एरर्स की वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दूंगा मैं, तो आप जो है ना इस पार्ट के बाद रेडी हो जाएंगे टेंसेस पे एरर्स को सीखने के लिए। शर्त एक ही है, हाथ में पेन और एक नोटबुक आपके होनी चाहिए। आज के बाद आपको टेंसेस फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये 4 सेंटेंसेस हैं, अगर आप भी इन सेंटेंसेस के शिकार हो तो ये पार्ट्स आपके लिए ही हैं। ये सेंटेंसेस गलत हैं, बकवास हैं, इनको लिखने की वजह से ही आप इंग्लिश में मार्क्स चले जाते हैं, और इनको नहीं पहचानने की वजह से इनमें गलतियां हैं, आप इंग्लिश में पीछे हैं आज भी। बुरा ना माने, कोशिश करें अपने काम के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर। ये सेंटेंसेस बकवास हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। शुरू करें फटाफट से। एक छोटी सी चीज़ और है भैया, ये न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच नहीं है, जहाँ पर न्यूजीलैंड का स्कोर आपने देख लिया और इंडिया की बैटिंग अब देख लोगे आप। स्कोर नहीं, न्यूजीलैंड की बैटिंग भी देखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको Part-1 से शुरू करना पड़ेगा। एटलीस्ट टेंसेस सीख रहे हो तो Part-4 से तो शुरू करना, क्योंकि Part-5 में बाकी के टेंसेस करवा रहा हूँ मैं, तो Part-4 का अगर नहीं देखा तो फिर 5 आपको जो है ऊपर से निकल जाने वाला है। शुरू करें शुरुआत से, यहाँ से मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, शुरुआत से वीडियोज़ को देखें। चलिए वो टेंसेस को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। होता क्या है, ये एप्पल है, ये बच्चा है, इसको इस एप्पल को खाना है, खा के ही मानेगा ये, कुछ भी हो, चाहे आज खाए, हो सकता है कल खा भी चुका हो ये, और हो सकता है आज नहीं खाएगा तो कल आएगा ये खाने के लिए, पर ये एप्पल तो इसी का है, ठीक है ना। अब ये टेंस का काम ये है, इस एप्पल और इस बच्चे के ये जो मिलाप हो रहा है ना, ये जो बच्चा इस एप्पल को खा रहा है उसका वक्त बताना, कब इसने खाया, 16 जनवरी को खाया, 15 जनवरी को खाया या 17 जनवरी को खाया। टेंस क्या होता है, हम वर्ब की एक ऐसी फॉर्म यूज़ कर देते हैं, हमें मालूम चल जाता है कि एप्पल और बच्चा दोनों कब मिले, किस डेट को मिले, कब उनका प्रेजेंट टेंस था, कब उनका पास्ट टेंस था, कब उनका भविष्य है, फ्यूचर टेंस है। समझ गए मेरी बात को। तो 3 तरह के टेंस होते हैं। हमने पिछले पार्ट में प्रेजेंट टेंस किया, प्रेजेंट टेंस को ये 4 तरीकों से हमने देखा, ता है, रहा है, चुका है और कुछ काम होता आ रहा है ना। 4 तरह के ही सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। हमने देखा इन चारों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लास्ट वाले वर्ड से, और क्या इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं। देखो, जब भी कुछ काम होता है, आदत होती है, तो ता है, ती है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी कुछ काम हो रहा होता है तो हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब भी कुछ काम हो चुका होता है हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब कुछ काम होता आ रहा होता है ना, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अलावा एक टेंस और था हमारे पास, जिसमें कुछ काम नहीं हो, सिर्फ लास्ट में है आ रहा हो, है ना, ये सेब लाल रंग का है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। तो ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ता है, ती है, तू है और है, जो कोई भी चीज़, दोनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, है ना। ये हमने रिवाइज कर लिया अपने पिछले पार्ट को। अब देखो, इतना अगर आपने सीख लिया तो आज आप फ्यूचर और पास्ट दोनों टेंस इसी से मैं निकाल करके आपको सिखाऊंगा, समझ गए। याद नहीं करना है, इसी में से फ्यूचर और पास्ट टेंस आप जो है आज सीखेंगे मेरे साथ। कोई आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं, कोई भी सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, हो सकता है एक ऑब्जेक्ट हो या चाहे ना हो, है ना। ये दोनों चीज़ें तो ना मस्ट है, ये हो भी सकता है और शायद ना भी हो, ठीक है। चलिए, ये सेब लाल रंग का है, आपने मेरे साथ देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि इसके लास्ट में है आ रहा है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा, हमने सिर्फ सेब का रंग बताया, सेब लाल रंग का है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट हो गया एप्पल, ऑब्जेक्ट हो गया रेड। अच्छा, बीच में हमें एक वर्ब लगानी होती है, इसके अंदर हम बी फैमिली की एक वर्ब को एस एम आर में से एक लगा देते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए एस एम या आर। मैंने आपको बताया था इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, एम लगेगा आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, है ना। तो इसी तरह से मैंने कैसे बनाया इसको, दिस एप्पल और यहाँ लिख दिया रेड, देखो सब्जेक्ट की जगह एप्पल आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह रेड आ गया,
इस एम आर में से हमने ले लिया इसको, सिंगुलर है ना, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब देखो यहीं से अपने पास्ट टेंस बनाएंगे। ये सेब लाल रंग का था, मान लो वो पीला हो गया या काला हो गया, अब मैं कह रहा हूँ ये सेब लाल रंग का था, इसको मैं क्या बोलूँगा, देखो लास्ट में आ रहा था, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ था आ रहा है, इस सेंटेंस को मैं बोलूँगा पास इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैंने बना दिया पास इंडेफिनिट टेंस, है तो मतलब प्रेजेंट, था तो मतलब पास्ट। अब देखो स्ट्रक्चर वही रहेगी, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर की जगह अब आ जाएगा वॉज या वर्ब में से एक चीज़, ठीक है ना, एक बार क्लियर करता हूँ मैं, इस एम आर इसकी जगह आप वॉज या वर्ब लगाएंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। अब देखो यहाँ पे तीन थे, यहाँ पे दो हैं, तो किसके साथ कौन सा लगेगा, जहाँ जहाँ आप इस और एम लगाते थे ना वहाँ आप लगा दो वॉज, जहाँ जहाँ आप आर लगाते थे वहाँ आप लगा दो वर, समझ गए, जहाँ जहाँ इज और एम लगाते थे वहाँ वॉज, जहाँ आर लगाते थे वहाँ पे वर। अब एप्पल के साथ में मैंने क्या लगाया था, इज, तो पास्ट टेंस में क्या लगा दिया मैंने, वॉज, दिस एप्पल वॉज रेड, ये सेब लाल रंग का था। अब देखो इसी से फ्यूचर बनाता हूँ मैं, ये सेब लाल रंग का होगा, अभी मान लो सफ़ेद रंग का है, कच्चा सेब है, मैंने कह दिया ये सेब लाल रंग का होगा, अब देखो कुछ काम नहीं हो रहा, मैं इसका रंग बता रहा हूँ, होगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कुछ है तो प्रेजेंट, कुछ था तो पास्ट, कुछ होगा तो फ्यूचर, सिंपल सी बात है, जानते हो आप हिंदी के अंदर, है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अब आ गया अपने पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो करना क्या है इसमें, सब स्ट्रक्चर वही रहेगी, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में जो आप एक वर्ब लगाओगे। अब देखो फ्यूचर के लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं टेंसेस दो ही होते हैं, है ना, पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, ये बात सही भी है, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो तो अभी हुआ ही नहीं, फ्यूचर तो भी होगा, कोई ऐसी चीज़ जो हुई नहीं वो रियल कैसे हो सकती है, ये सेब लाल रंग का होगा, मैं कह रहा हूँ होगा, तो हमने क्या मान रखा है इंग्लिश के अंदर, फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो काल्पनिक है, एक ऐसा टेंस है जो रियल नहीं है, और इसके लिए हम एक रियल नहीं, हम एक जो है ना काल्पनिक सी वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं विल, समझ गए मेरी बात को, हम फ्यूचर के लिए हमेशा एक वर्ब लगाते हैं विल नाम की, मॉडल वर्ब है ये, काल्पनिक वर्ब है ये बताती है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, हमें लगता है ऐसा होगा, तो फ्यूचर टेंस जब भी आ गया ना तो इस विल को मत भूल जाना, इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। अब देखो इस एम आर वॉज वर और यहाँ पे अपने पास लगा दिया विल, ठीक है ना, अब आप बोलो सर यहाँ पे इज एम आर वॉज वर और विल जो आपने लगाया है तो विल के बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लिख देना चाहिए, आपका सेंटेंस तो बन गया, ये बी का क्या काम है बीच में। अब देखो विल की एक परेशानी है, विल है एक मॉडल फैमिली की वर्ब, मैं आपको वर्ब्स दिखा देता हूँ मॉडल फैमिली की, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, इनकी एक परेशानी क्या है, इनकी ये परेशानी है कि ये अपने बाद है ना वर्ब की बेयर इन्फिनिटिव जरूर लेगी, बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी क्वालिफिकेशन के, उसके आगे एस नहीं हो, ई एस नहीं हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले, तो ये विल जो है ना अपने बाद लिए बिना मानती नहीं है किसी दूसरी वर्ब को। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सेब लाल रंग का होगा, यहाँ पे कुछ काम तो हो नहीं रहा, अब इसके बाद क्या दें अपने वर्ब, कौन सी वर्ब यहाँ पे दें, तो अपने पास है ना इसीलिए एक बी फैमिली की वर्ब्स है, ये वर्ब्स कुछ और काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ अवस्था को बताती हैं, आई एम गुड, ही इज़ अ टीचर, वी आर सोल्जर्स, है ना, तो ये इज एम आर वॉज वर बी बींग, इन सब की जो बेयर इन्फिनिटिव है वो होता है बी, समझ गए मेरी बात को, इज एम आर, बी, वॉज वर, बीन और बींग, इसका बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है बी, तो मैंने को क्या करना पड़ा यहाँ पे, विल के बाद में बी ऐड करना पड़ा, तो द एप्पल विल बी रेड, ऐसे बना ये टेंस, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आप थोड़ी देर में खुद ना वर्ड्स को, जो सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में खुद आप ट्रांसलेट करोगे मेरे साथ, अकेले भी कर सकते हो, मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको कौन सा टेंस पहचानना है यूज़ होगा और उस टेंस को कैसे यूज़ करना है, उसके पीछे का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, लाइक मैथमेटिक्स आप मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हो यहाँ पे, समझ गए, सब्जेक्ट विल तो आएगा ही आएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, अच्छा विल जो है अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो मेरे को क्या करना है, बी फैमिली के एक वर्ब को लगा देना है, बेयर इन्फिनिटिव उसका लगाना है, बेयर इन्फिनिटिव लेना है बी को ही, है ना, तो दिस एप्पल विल बी रेड, समझ गए। चलो अब देखो प्रेजेंट टेंस से अपने इंडेफिनिट टेंस में था अपने पास मैं सेब खाता हूँ, किसी आदत की बात होती है तब मैं बात करता हूँ ता हूँ ते हैं तू हाँ, समझ गए ना, तो मैंने इसको कैसे बनाया था, सब्जेक्ट मतलब मैं, ऑब्जेक्ट मतलब एप्पल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाई थी मैंने, ये जब कोई काम होता है, रोज होता है कोई काम, जो कोई काम ऐसा है जो होता रहता है उसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं, तो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट,
और ऑब्जेक्ट में एन एप्पल, ऐसे मैंने इस सेंटेंस को बनाया था, है ना। अब आ जाओ पास्ट के अंदर। मैं एक सेब खाता था, मैं एक सेब खाती थी, हम एक सेब खाते थे, है ना। अच्छा, पास्ट के अंदर इसके साथ साथ अब देखो ये जो सेंटेंस बनेगा ना अभी इसके ऊपर, वो एक काम और करता है। मैंने एक सेब खाया, एक सेब खाई और हम एक सेब खाए, दोनों का मतलब एक ही होगा, समझ गए मेरी बात को। देखो यहाँ पे खाता है, खाती हूँ, खाते हूँ, ये तो ठीक है, इसका खाता था, खाती थी, खाते थे, कर दिया। पर ये जो आप बनाओगे ना टेंस, उसका मतलब ये भी निकलेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वो आप मेरे साथ एरर वाले पार्ट में देखोगे, ये निकलेगा या ये निकलेगा, टेंस एक है दोनों का। चलो अब कैसे बनाना है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे ही सेकंड फॉर्म लगाई, मतलब प्रेजेंट से आप पहुंच गए पास्ट के अंदर। तो आई ईट एन एप्पल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई एट एन एप्पल वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे मैं एप्पल खाता था, खाता हूँ, और यहाँ पे मैं एप्पल खाता था, समझ गए। अब देखो खाता था वाला बनाया ना आपने, यही वाला टेंस ये भी बताएगा मैंने एक एप्पल खाया, दोनों काम कर देगा ये टेंस, इसके दो काम है, समझ गए। चलो आपने प्रेजेंट से बना दिया पास्ट, अब प्रेजेंट से अपने बनाएंगे फ्यूचर। देखो काम वही करना है, सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है एप्पल। अब देखो बीच में क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ फ्यूचर देखा तो आपकी घंटी बजनी चाहिए कान में, विल तो आएगा ही आएगा सर, फ्यूचर देखा तो विल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर काल्पनिक है, अपने साथ विल के बिना फ्यूचर कभी बनेगा ही नहीं। अब देखो विल के बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेर इन्फिनेटिव, जिसको हम वेरिफिनेटिव बोलते हैं या फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। विल के बाद मैंने ईट नाम की जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी, जो कि ईट ही होती है, आई विल ईट एन एप्पल। यहाँ पे मैंने बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काम हो रहा है खाने का, मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा बी लगा दिया था, क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा था, ये मेरे को एक ऐसे वर्ब लगानी पड़ी जिसमें कुछ काम भी ना हो और ये विल भी मान जाए, समझ गए। पर यहाँ तो काम हो रहा है तो मुझे बी लगाने की क्या जरूरत है, मैं तो सीधे सीधे खाने वाली वर्ब लगा दूंगा, आई विल ईट एन एप्पल। तो देखो अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, यहाँ देखो आई ईट एन एप्पल मतलब मैं एक सेब खाता हूँ, और आई विल ईट एन एप्पल मतलब मैं एक सेब खाऊंगा, समझ गए। चलिए प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर, आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मेरे साथ सीख लिया। अब आ जाओ अगले टेंस पे, मैं एक सेब खा रहा हूँ, क्या आता है इसके लास्ट में, रहा है, रही हूँ, रहे हैं, है ना, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे बना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, देखो लास्ट में है आ रहा है तो उससे बन गया प्रेजेंट, और रहा है कोई चीज़ मतलब जारी है तो उससे बन गया कंटिन्यूस, इतना तो जान गए आप मेरे साथ। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताती है कंटिन्यूस प्रोसेस को। अच्छा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की एक परेशानी है, वो अपने पहले बी फैमिली की एक वर्ब को जरूर लेगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट एक्टिव टेंस में अपने से पहले बी फैमिली की एक वर्ब जरूर लेगी, उसके बिना ये आ नहीं सकती। तो मुझे उससे पहले बी फैमिली की वर्ब्स में से इनमें से किसी का चुनाव करना था। तो प्रेजेंट टेंस में होती है इस, एम, आर और बी, तो मैं इन्हीं में से एक को चुनाव कर देता हूँ, इज एम आर या बी, मैंने लिखा नहीं है, बी भी हो सकता है ना। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो आई आ गया सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया एप्पल, बीच में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई ईटिंग, और ईटिंग से पहले क्या आ गया, एम। देखो इस, एम, आर में से एक लेना था, मैंने ले लिया एम। एम क्यों लिया, क्योंकि आई के साथ में एम आता है ना, आपको पता है। तो किसके साथ में एम लगाना है, किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ में आर लगाना है, पिछले पार्ट में आपने देखा था। अब आ जाओ यहीं से अपने बना देते हैं पास्ट टेंस, मैं एक सेब खा रहा था, टेंस बताओ कौन सा बनेगा, लास्ट में क्या लगा हुआ है, था से बन गया पास्ट, साथ में क्या लगा हुआ है, रहा से बन गया कंटिन्यूस, मतलब बन गया ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस, समझ गए टेंस बनाना। दूसरी चीज, अब देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो क्या कैसे बनेगा, वो सब्जेक्ट रखेंगे शुरू में, ऑब्जेक्ट रखेंगे लास्ट में, कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपने से पहले बी फैमिली की एक वर्ब को लेगी, बी फैमिली की वर्ब की ये निशानी है, सारी की सारी वर्ब्स हैं। इसको प्रेजेंट टेंस में हम चार होती है हमारे पास, इज एम आर बी, और पास्ट टेंस में होती है दो, वॉज या वर। तो देखो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो मैंने बीच में क्या रख दिया, वॉज या वर, समझ गए। यहाँ पे इज एम आर क्यों रखा था, क्योंकि रहा है प्रेजेंट टेंस है, अब आ गई पास्ट की बारी तो मैंने लगा दिया रहा था, तो वॉज वर। अब देखो वॉज किसके साथ लगाना है, अभी मैंने आपको बताया था जिसके साथ में इज और एम आए वो आ जाएंगे वॉज, और जिसके साथ में आर आ रहा था वो आ जाएंगे सबके सब वर। तो मैंने कैसे बनाऊंगा इस सेंटेंस को, आई शुरू में, एप्पल लास्ट में, ईटिंग जो लगना ही था इससे पहले लगा दिया वॉज।
क्योंकि पहले हमने एम लगाया था, उसकी जगह हमने वॉज कर दिया। बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स ही है इंग्लिश, ज़्यादा फर्क नहीं है आपको। अगर फॉर्मूले समझ में आ जाएँ, दिखते नहीं है इंग्लिश में फॉर्मूले किसी को, और कोई किताब भी नहीं आती फॉर्मूलोज वाली। चलिए फ्यूचर बनाते हैं। मैं सेब खा रहा हूँगा, मैंने अपने दोस्त को बोला क्या बजे भाई, बोला 4 बजे हैं, कल इस टाइम मैं सेब खा रहा हूँगा। समझ गए मेरी बात को? तो मतलब कोई काम जो कल होगा, आज आने वाले कल के बाद होगा, मतलब फ्यूचर में होगा, और मैं खा रहा होऊंगा मतलब जारी होगा। समझ रहे मेरी बात को? एक तो जारी होगा और एक फ्यूचर में होगा। तो जारी होगा तो मतलब कंटिन्यूअस, फ्यूचर में होगा तो मतलब फ्यूचर। देखो कैसे बना टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो वैसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया था, पास्ट कंटिन्यूअस बनाया था, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस बना देते हैं। सब्जेक्ट आएगा शुरू में, ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में, कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अच्छा फ्यूचर है तो विल आएगा। अब बना दो इस टेंस को, आई विल ईटिंग एन एप्पल। अच्छा अब ये बी क्यों आया बीच में, बी का क्या काम है? अब देखो विल की परेशानी समझो आप, ये कहता है मेरे बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मैंने लगा दिया ईटिंग। अब ईटिंग कहती है मेरे पास, मेरे पहले वर्ब एक जो बी फैमिली की एक वर्ब आएगी। दोनों अपना अपना झगड़ा कर रहे हैं, दोनों को जो है ना, ना तो विल को ईटिंग समझ में आ रहा है, ना ईटिंग को विल समझ में आ रहा है। विल कह रहा है मेरे को बेयर इन्फिनिटिव दे दो एक, ईटिंग कह रहा है मेरे को बी फैमिली की एक वर्ब ला दो। दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ना तो इसके साथ रह सकता ना इसको इसके साथ रहना है। तो मैं क्या किया, मैंने शीट उठाई, इसमें बी फैमिली की वो वर्ब उठाई जो कि बेयर इन्फिनिटिव हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले बी होता है। मतलब यहाँ से मैंने बी को उठा करके यहाँ प्लेस कर दिया। अब जैसे ही बी आया ना, ईटिंग बोला चलो चलो बी फैमिली की वर्ब मिल गई मेरे को, और विल बोला चलो मेरे को एक बेयर इन्फिनिटिव मिल गया, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँगा। बहुत सिंपल है, आपको उस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आप इस तरीके से टेंस सीखेंगे ना, मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में एक भी बच्चा नहीं हो जो गलत सेंटेंसेस बनाए। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस टेंस हो गया, अब आ जाओ परफेक्ट टेंस पे। आप शांति से रिपीट करके देख लेना वीडियोस को, मैं अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसके बाद, लास्ट तक आप देखते जाओ, फिर एक क्विज करवाऊंगा, 40 में से 40 सबके नंबर आएंगे उसके अंदर, अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं एक सेब खा चुका हूँ। अच्छा खा चुका हूँ, चुका हूँ, हूँ से तो बन गया प्रेजेंट, है हूँ तो प्रेजेंट होता है, और चुका से बन गया परफेक्ट। क्यों? मैंने आपको बताया था इंग्लिश में हर वो चीज़ जो हो चुकी वो परफेक्ट है। इंग्लिश बोलती है जो भी काम हो गया ना मेरे लिए भाई वो है परफेक्ट। अब इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, इतना तो मेरे को समझ में आ गया शुरू में और लास्ट में। अब देखो इंग्लिश क्या कहती है परफेक्ट टेंस के लिए, एक फॉर्मूला है परफेक्ट टेंस का इंग्लिश के अंदर, वो कहता है हमें हमारे बाद में हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से एक चाहिए। मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, वो पेन मैंने मंगाया है वो अभी घर पहुँचा, मैं अभी होटल के अंदर हूँ, इस वीक जाऊँगा ना वो पेन मिल जाएगा मेरे को लिखने वाला। परफेक्ट टेंस क्या बोलता है, मेरे बाद में हैज़ फैमिली की एक वर्ब आएगी। अब देखो हैज़ फैमिली की वर्ब में आ गया हूँ यहाँ पे, हैज़, हैव और हैड, तीन वर्ब्स होती हैज़ फैमिली की, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, हैज़ या हैव में से एक चीज़, क्योंकि हैड होता है पास्ट के अंदर। देखो हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, एक प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव, और पास्ट टेंस में हैड, तो मेरे पास प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है यहाँ पे, तो मैंने हैज़ और हैव में से एक ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास परफेक्ट टेंस था। फिर देख लो परफेक्ट टेंस क्या कहता है, मेरे बाद हमेशा मेरे के अंदर हैज़, हैव और हैड में से एक चीज़ होगी। मैंने हैज़ और हैव और हैड तीनों को ले लिया, फिर मैंने देखा है तो प्रेजेंट टेंस है, हैड को तो मैं ले नहीं सकता, तो मैंने हैड को निकाल दिया, हैज़ और हैव में से एक चीज़ को ले लिया। अब देखो हैज़ और हैव का भी एक फॉर्मूला है, ये क्या कहते हैं, हमारे बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, V3 होनी चाहिए। जैसे वर्ब की ING फॉर्म कह रही थी ना, मेरे पहले बी फैमिली की वर्ब होनी चाहिए, जैसे विल बोलता है ना मेरे बाद में एक बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए, वैसे हैव क्या बोलता है, मेरे बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसके बाद में मैंने खाना खाने की बात हो रही है ना, खाने की, तो मैंने V3 लगा दी, ईटन। समझ गए मेरी बात को? कैसे बना सेंटेंस, साफ कर देता हूं एक बार फिर से, देख लो, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। ये टेंस ये कह रहा है कि मेरे को एक जो है ना परफेक्ट के लिए हैज और हैव में से एक चीज चाहिए या हैड में से। मैंने बोला ठीक है तीनों रख देता हूँ, पर इसने बोला यार मैं तो प्रेजेंट हूँ तो हैड तो मत रखो, हैज और हैव रख दो। चलो ये भी मान लिया। अच्छा हैज और हैव जैसे रखा, ये दोनों चिल्ला पड़े, बोले V3 कहाँ है, V3 चाहिए हमें, तो हम तो नहीं आते बिना V3 के। चलो मैं V3 ले आया, खाने की बात हो रही है, मेरे पास वर्ब भी रखी थी तो मैंने V3 रख दी, वर्ब रखी थी तो मैंने V3 रख दी, अगर वर्ब नहीं होती तो मैं कुछ और इलाज करता, पर मेरे पास यहाँ खाने की बात हो रही है तो मैंने रख दी। तो क्या बना सेंटेंस, आई हैव ईट
ईटन एन एप्पल। हैज हैव में से हैव को चूज़ कर लिया, ईट में से हमने ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लगा दी, आई की जगह सब्जेक्ट की जगह आई आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह एप्पल आ गया। अब देखो इसके साथ में ईटन सॉरी हैव क्यों आया, आई के साथ में हैज क्यों नहीं आया, ये अलग कहानी है, मैं आपको बता चुका हूँ एक टेबल के अंदर। मैंने आपको बताया था आई जो है अपने साथ में एम या वॉज लेगा, हैव और हैड लेगा, प्ले और प्लेड लेगा। ये आप अलग से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था किसके साथ हैज और किसके साथ हैड आएगा, हैव आएगा, है ना। आई सिंगुलर है, अपने साथ में हैव लेता है फिर भी, क्योंकि आई को जो है ना हम थोड़ी इज्जत देते हैं। वैसे प्लूरल के साथ में हैव, सिंगुलर के साथ में हैज। तो आई हैव बीन सॉरी आई हैव ईटन एन एप्पल, इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब देखो चुका हूँ से बन गया चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट से बन गया पास्ट परफेक्ट, बात वही है, था से आ गया पास्ट, चुके से आ गया परफेक्ट। हर जो चीज़ हो चुकी है वो परफेक्ट है, और जो हर जो चीज़ जो पुरानी है वो है पास्ट। अब देखो जैसे ही परफेक्ट आया मेरे को बोला लगा कि हैज़ हैव और हैड में से एक चीज़ चाहिए, मैंने यहाँ पे हैज़ और हैव और हैड में से एक चीज़ लगा दी। अब जैसे ही मैंने हैज़ और हैव लगाया ना तो ये पास्ट बोला हैज़ और हैव नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में तो हैड ही हमारा भाई है, तो यहाँ पे हैज और हैव नहीं आएगा, सिर्फ हैड आएगा। जैसे ही हैड लगाया, हैड क्या बोला, जैसे हैज हैव बोले थे हमें वी थ्री चाहिए, हैज हैव और हैड के बाद में हमेशा वी थ्री चाहिए होती है, मैंने वी थ्री लगा दी। मैं सबको सेटिस्फाई करता जा रहा हूँ, मेरा टेंस बन गया आई हैड ईटन एन एप्पल, समझ गए मेरी बात को। आई हैव ईटन से क्या बन गया, आई हैड ईटन, निशानी क्या है, हैज हैव आएगा, और दूसरी क्या, इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो मैं सेब खा चुका हूँगा, मैंने मेरे भाई को बोला तू तो ये सेब खा रहा है ना, अभी तो लेने जा रहा है, जो कल तक तो मैं सारे खा चुका हूँगा ये सेब। अब देखो खा चुका होऊंगा, होऊंगा से मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं आने वाले कल में, और चुका से बात हो रही है परफेक्ट की, ये काम खत्म हो चुका होगा इन फ्यूचर इन परफेक्ट। चलो अब इसको बनाए, सब्जेक्ट की जगह आई आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह एप्पल आ गया। अब देखो फ्यूचर आया तो विल तो आएगा ही आएगा, विल तो कहता है मेरे को आना ही आना है, मेरे बिना काम नहीं चलेगा आपका फ्यूचर का, चलो विल आ गया। अच्छा फ्यूचर के बाद में आपको परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या आएगा, हैज हैव और हैड। अब आ जाओ हैज हैव और हैड फैमिली जो है, फैमिली है ना, ये फैमिली है, इसका बेयर इन्फिनिटिव कौन है, हैव। देखो हैज हैव और हैड में से बेयर इन्फिनिटिव कौन है, हैव। विल जैसे आया ना उसको मैंने बोला हैज हैव और हैड में से एक चीज़ चाहिए, परफेक्ट लगा हुआ है, तो विल क्या बोला, बेयर इन्फिनिटिव उठा लो इन तीनों में से, ना तो हैव उठाओ ना हैड उठाओ ना हैज उठाओ, आप तो ये देख लो बेयर इन्फिनिटिव कौन है। मैंने देखा बेयर इन्फिनिटिव हैव है तो मैंने उठा लिया, हैव आया वो बोला वी थ्री चाहिए, मैंने वी थ्री उठा ली। आई विल हैव ईटन एन एप्पल, विल आया फ्यूचर के लिए, हैव आया बेयर इन्फिनिटिव होने के कारण और परफेक्ट टेंस होने के कारण, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई क्योंकि हैव आया है, इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए, बहुत सिंपल है, आप रिपीट कर लें एक बार, फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल बने हुए हैं, इन्हीं से सारे टेंसेज बनेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई ऐसा काम जो पहले भी हो चुका है और आज भी होता आ रहा है, समझ लो 10-15 दिन 20-15 साल से कोई चीज़ है जो लगातार होती आ रही है ना, वो होती है फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 10 दिनों से सेव खाता आ रहा हूँ, अब देखो हूँ से आ गया प्रेजेंट, ठीक है, सेव खाता आ रहा हूँ, मैंने 10 दिन पहले भी खाया, 9 दिन पहले भी खाया, 8 दिन पहले भी खाया, काम हो चुका है तो मतलब परफेक्ट, और रहा हूँ तो मतलब कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस दोनों का मिक्सचर होता है, मैं पिछला वाला रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, खाली बनेगा कैसे, देखो परफेक्ट है तो मेरे को हैज और हैव में से एक चीज़ ले लेनी है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है तो मेरे को वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेनी है, और बीच में मुझे बिन लगाना है क्योंकि इन दोनों की प्रॉब्लम है एक छोटी सी, एक सेकंड रुको, इन दोनों की एक प्रॉब्लम है छोटी सी। मैंने बताया था वी थ्री जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वी फोर, वो कहती है मुझे बी फैमिली की एक वर्ब चाहिए उससे पहले, और हैज और हैव कहता है मुझे इसके बाद में वर्ब की एक थर्ड फॉर्म चाहिए। अब देखो ये दोनों जो है ना एक दूसरे को कंपेटिबल नहीं है, तो मुझे इन दोनों के बीच में बिन लगाना पड़ा, बिन कौन है, बी फैमिली की थर्ड फॉर्म, समझ गए मेरी बात को, ये बींग भी है पर ये कंटिन्यूस फॉर्म है, वी फोर बोलते हैं इसको, है ना, थर्ड फॉर्म बी फैमिली की मुझे बिन लगा दी, हैज हैव भी मान गए और वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले बी फैमिली की वर्ब आ गई, इसको तो कोई भी वर्ब चाहिए तो बिन आ गया तो मान गए, तो ऐसे बनता है ऐसे टेंस, आई हैव बिन ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता आ रहा हूँ, यहाँ फोर टेन डेज लिखना था मुझे, मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है ना, वो भी लिखोगे आप इसके आगे। अब देखो खाता आ रहा हूँ नहीं, अब मैंने बनाना है खाता आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो रहा था कंटिन्यूअस,
था से पास्ट और खाता आ रहा था मतलब पहले भी हो चुका काम परफेक्ट, ऐसे बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला वही है, आपको सिर्फ हैज़ और हैव की जगह हैड रख देना है। हैड के बाद में वी थ्री आ गई बी फैमिली की, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस समझ लो ये टेंस कैसे बनाए, पास्ट और फ्यूचर तो इसी से निकल करके बन जाएगा। अब आ जाओ, मैं कह रहा हूँ कल जो है ना मेरे भाई, मैं 10 दिनों से सेब खाता आ रहा, मतलब मैंने आज 9 दिनों से सेब खा रहा हूँ, कल 10वां दिन है मेरा, कल भी मैं सेब खाता आ रहा होऊंगा। ऐसा काम जो कि पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसमें फ्यूचर भी आ गया, परफेक्ट कुछ काम पहले हुआ वो भी आ गया, और जारी है कंटिन्यूअस है ये भी आ गया, समझ गए। अब देखो, फ्यूचर आया तो मेरे को विल तो लगानी है, परफेक्ट आया तो हैज हैव हैड में से एक चीज़ तो लगानी है, अच्छा वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगानी है। मैंने आपको बताया विल के बाद में वर्ब का बेर, जो बेर इन्फिनिटिव आता है किसी वर्ब का, हैज़ हैव और हैड में से बेर इन्फिनिटिव मैंने अभी भी बताया था हैव फैमिली में हैव होता है, तो विल के बाद में तो हैव आएगा, कोई सवाल नहीं। हैव और बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इनके बीच में बिन आएगा, ये आपने अभी मेरे साथ सीखा, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले बी फैमिली की एक वर्ब चाहिए और हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो विल हैव बिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई विल हैव बिन ईटिंग एन एप्पल, बहुत सिंपल है। आई हैव बिन ईटिंग एन एप्पल, एक सेब खाता आ रहा हूँ। आई हैड बिन ईटिंग एन एप्पल, एक सेब खाता आ रहा था। आई विल हैव बिन ईटिंग एन एप्पल, एक सेब खाता आ रहा होऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप इतना समझ गए तो टेंस का बेसिक समझ गए। टेंस में आप पहचान करके देख के बता दोगे कोई सेंटेंस गलत बना हुआ है या सही बना हुआ है, देखते बता दोगे आपको कोई सेंटेंस गलत है या सही। अगर आपको अभी प्रैक्टिकल करना है ना तो आ जाओ, ये साइड में टेबल है, आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करनी हो, कौन सा नाउन प्रोनाउन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हरीश ने कल एक फिल्म देखी, मतलब कल एक काम हो चुका, पहले पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, चुका नहीं है, हुआ। हरीश ने कल एक फिल्म देखी, मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो काम करता है, एक तो कोई काम होता था और एक कोई काम हुआ, मैं एक सेब खाता था या मैंने एक सेब खाया, दोनों काम होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखते हैं मुझे क्या पता लगना चाहिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस, समझ गए। कोई काम हुआ, सीधे सीधे बोल दो आप, मैं वहाँ गया, उसने ये खाया, इसने इसको मारा, इसने ये पढ़ा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे कैसे, हम सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और बीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर ये प्रेजेंट होता ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट कौन है, हरीश। ऑब्जेक्ट कौन है, फिल्म। हरीश ने क्या देखा, फिल्म। तो हरीश वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे, हरीश ने कल एक फिल्म देखी, ये वॉच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, आप हमेशा सेंटेंस बनाएं, अगर आप नए हैं तो इस फॉर्मूले को चल करके बनाएं ताकि आपका सेंटेंस सही बने, प्योर बने आपका सेंटेंस। चलो अगला देखो, निशु कल एक फिल्म देखेगी। अब देखो बात वही है फिल्म देखने की, पर अब आने वाले कल की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था जब कोई काम सीधे सीधे फ्यूचर में होगा तो वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सेब लाल रंग का होगा, निशु कल फिल्म देखेगी, वो लोग दिल्ली जाएंगे, वो उसको कल मारने वाला है, समझ गए मेरी बात को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तरीका वही है इंडेफिनिट टेंस का, बीच में वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुरू और लास्ट में लगा के। लेकिन फ्यूचर है तो मैं भूल गया इस चीज़ को, विल तो मुझे लगाना पड़ेगा। अच्छा विल जैसे ही मैंने लगाया उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मुझे लगानी है बेर इन्फिनेटिव, तो मेरे पास काम है देखने का, तो मैं क्या बनाऊंगा, शी या निशु, विल आ गया विल से, वॉच अ मूवी यस्टरडे नहीं टुमारो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना है ना, यस्टरडे इज रॉन्ग हेयर, टुमारो आएगा, निशु विल वॉच अ मूवी टुमारो। विल क्यों आया, फ्यूचर से, वॉच क्यों आया, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेर इन्फिनिटिव लगता है, वर्ब मेरे पास थी देखना तो मैंने वॉच लगा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वॉचेज नहीं आएगा, निशु भले ही सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के आगे हम एस लगाते हैं, पर विल जो है ना एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब बेर इन्फिनिटिव लेती है, बेर इन्फिनिटिव का यही मतलब है वॉच ही लिखोगे आप, वॉचेज नहीं लिखोगे, उसके बाद में एस या ईएस नहीं लगाओगे। चलो राजेश अपना काम पूरा कर चुका था, अब देखो क्या आया, था मतलब पास्ट, चुका मतलब परफेक्ट, कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट टेंस क्या निशानी होती है, हैज़ हैव लेगा अपने बाद में, हैज़ हैव हैड और तीनों में से एक चीज़, पास्ट है तो हैज़ हैव ले नहीं सकता तो मतलब लेगा हैड, तो सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, बीच में हैड आ जाएगा,
हैड अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म मेरे पास कौन से काम की आएगी यहाँ पे, काम पूरा कर चुकने की, समझ गए। चलो बनाते हैं सेंटेंस को, राजेश हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हैड आ गया, देखो हैड से यहाँ पे, हैड के बाद में पूरा करने का काम था कंप्लीट करना, तो कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है, आप कोई भी सेंटेंस का टेंस पकड़ो और उस टेंस का फॉर्मूला रखो, अपना सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आगे एक और सेंटेंस बनाते हैं, आपके सामने बना रहा हूँ, आप खुद भी ये काम नोटबुक पे कर सकते हैं, खुद बना करके देखो इसको, पहले फ्रीज कर दो वीडियो को, फिर मैं बताता हूँ इसको। चलिए फ्रीज कर लें, आप खुद बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बता रहा हूँ अभी आपको। राजेश अपना काम पूरा कर चुका है, है से क्या आया प्रेजेंट, चुका से क्या आया परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी क्या है, परफेक्ट लेगा अपने साथ में हैज, हैव और हैड में से एक चीज़ को और उसके बाद में वी थ्री, ठीक है ना। अब देखो हैड तो आ नहीं सकता क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट की, तो मतलब हैज और हैव प्लस में वी थ्री, सब्जेक्ट हैज हैव वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है राजेश, ऑब्जेक्ट कौन है वर्क, बीच में हैज हैव में से हैज आ गया क्योंकि राजेश सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन अपने बाद में हैज लेते हैं, और लास्ट में अपने लगा दिया कंप्लीटेड क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड होती है। बहुत सिंपल है, चलो राजेश कल तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। अब देखो कल तक फ्यूचर की बात हो रही है, होगा मतलब फ्यूचर, चुका मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर है तो विल आएगा, परफेक्ट है तो हैज हैव हैड में से एक थ्री आएगी, एक चीज़ आएगी तीनों में से और एक आएगी वी थ्री इसके बाद में। अब देखो विल तो आ गया, विल अपने बाद में हैज हैव हैड और हैज हैव और हैड में से सिर्फ और सिर्फ हैव को लेता है क्योंकि वो वर्ब का बेर इन्फिनिटिव है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि ये तो अपने बाद में लेगा लेगा प्लस में ऑब्जेक्ट। तो राजेश विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टुमारो, विल क्यों आया फ्यूचर से, हैव क्यों आया, विल अपने बाद में हैज हैव और हैड में से सिर्फ और सिर्फ हैव को ले सकता है और किसी को नहीं ले सकता, कंप्लीटेड क्यों आया, हैज हैव और हैड कोई भी आ जाए अपने बाद में वी थ्री को मांगते हैं तो मैंने काम पूरा करने की वी थ्री लगा दी। चलो वो 10 दिनों से सरकार का विरोध करती आ रही थी, अब देखो थी है तो मतलब पास्ट, कुछ काम होता आ रहा था मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जान गए ना, परफेक्ट मतलब पहले भी हुआ है, कंटिन्यूस मतलब अभी भी जारी है, पास्ट मतलब पुरानी बात हो रही है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में परफेक्ट की जगह तो अपने लगाएंगे हैड को, जानते ना हैज हैव हैड और हैज हैव और हैड में से हैड लगेगा, कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, बीच में लगेगा बिन, बिन इसलिए लगता है क्योंकि वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले बिन चाहिए, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये हमारे को बीच में नेसेसरी कंडीशन है इसलिए लगाया हमने। तो क्या लिखूंगा मैं, शी हैड बिन अपोजिंग द गवर्नमेंट फॉर 10 डेज, हैड क्यों लगाया पास्ट टेंस, अपोजिंग क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस कंटिन्यूटी थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, और बिन लगाया इस हैड और अपोजिंग दोनों को मनाने के लिए। चलो वो 10 दिनों से सरकार का विरोध करती आ रही है, अब देखो यहाँ पे रही थी आ रही थी, यहाँ पे आ रही है, वो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, होना क्या है यहाँ पे, सिर्फ हैड की जगह हैव लगा दो, हैज हैव में से एक चीज, बाकी बिन भी रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी रहेगी। शी हैज बिन अपोजिंग द गवर्नमेंट फॉर 10 डेज, हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि शी जो है सिंगुलर है, ही शी इट दिस दैट इन सब के साथ में हम हैज यूज करते हैं, हैव को यूज नहीं करते हैं। चलो वो 10 दिनों से सरकार का विरोध करती आ रही होगी, मतलब कल मान लो उसका 10वां दिन हो जाएगा, 10 दिन से लगातार उसका विरोध जारी होगा, फ्यूचर की बात है, होगा, करती आ रही होगी, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, समझ गए, फ्यूचर मतलब होगा, कंटिन्यूस मतलब जारी, परफेक्ट मतलब 10 दिनों से काम होता आ रहा है, आज की बात नहीं है, 10 दिन पुरानी बात है, हो चुका है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर है तो विल आएगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा क्योंकि विल के बाद में हैव ही आ सकता है, कंटिन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बीच में बिन आएगा जो कि इस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले बी फैमिली की वर्ब बन जाएगा जो कि जरूरी है इसलिए हमने बीच में लगाया, समझ गए। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, शी सब्जेक्ट विल हैव बिन अपोजिंग द गवर्नमेंट फॉर 10 डेज, समझ गए, विल हैव बिन क्यों आया, अपोजिंग क्यों आया, यहाँ पे फॉर्मूले से चलो बड़ा सिंपली बन जाएगा, याद करने की कोशिश करोगे रट्टा मारोगे तो मेरे को लगता है इस जन्म में नहीं हो पाएंगे टेंसेज आपके, फॉर्मूले से चलना है आपको। एक और सेंटेंस लास्ट में
वाले थे हम कल पिकनिक का मजा ले रहे होंगे। अब देखो होंगे फ्यूचर की बात, रहे मतलब जारी होगा काम, पिकनिक का मजा ले रहे होंगे, है ना। आप इस समय डांस कर रहे होगे, मैं इस समय बारबेक्यू पे कुछ पका रहा होगा, है ना, कुछ गाना बज रहा होगा, तो मतलब पिकनिक का मजा ले रहे होंगे कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर है तो विल आएगा, ठीक, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब इन दोनों का झमेला है विल और आईएनजी फॉर्म का, ये बोलता है मेरे बाद वर्ब की एक बेयर इन्फिनिटिव दो, और ये बोलता है मेरे से पहले एक वर्ब की बी फैमिली की वर्ब दो, तो मैंने बी फैमिली का बेयर इन्फिनिटिव निकाल लिया जो कि बी होता है। तो शी विल बी एंजॉइंग, वी विल बी एंजॉइंग आवर सेल्स ऑन द पिकनिक, ये आवर सेल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है गोल्डन ग्रामर सीरीज के अंदर, हमेशा एंजॉय अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है। वी विल बी एंजॉइंग आवर सेल्स ऑन द पिकनिक, ठीक है। चलो अब करना क्या आपको, आपने मेरे साथ बेसिक सीख लिया कैसे टेंस पहचानना है, कैसे उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आपको ये 10 सेंटेंसेज हैं इनको इंग्लिश में बनाना है, समझ रहे हो बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। जैसे पहला सेंटेंस है मैं बना देता हूँ आपको, अजय मुंबई पहुँच चुका था। देखो चुका था, था से मतलब पास्ट, चुका से मतलब परफेक्ट, तो अजय और मुंबई तो आ गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक। परफेक्ट टेंस अपने बाद में हैड लेता है पास्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर हैज हैव, पास्ट के अंदर हैड, और हैज हैव हैड तीनों की निशानी ये है अपने बाद वी थ्री लेते हैं। यहाँ पे पहुँचने की बात हो रही थी, मतलब वी थ्री आएगी रीच की, रीच्ड, रीच्ड, अजय हैड रीच्ड मुंबई, समझ गए। इस तरीके से टेंस को पहचानो, दो बाकी की जो 9 टेंसेज है ना इनको भी अभी इस आपको ना इस वीडियो को यहीं पॉज करके 9 को करना है। आप अपने आप से बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करोगे, इतना टाइम आपने अगर इन्वेस्ट किया है गद्दारी मत करो, इसको करो अभी। आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये वीडियो तो पूरी हो गई है, अभी 9 के 9 सेंटेंसेस का टेंस यहाँ पे डालो और इनकी इंग्लिश यहाँ पे बनाओ, ठीक। अगली स्लाइड में मैं इनके आंसर्स दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है एडवांस लेवल की, ये बेसिक एक्सरसाइज है, तो पहले तो आप इनको बना लो फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो मैं इनके आंसर दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले 1 से 8 तक के, ये स्क्रीनशॉट ले लें आंसर्स के, और 9 और 10 नंबर का ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी आप इनको बनाओ, उसके बाद आपको एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज क्या है, ये जो आपने बनाया ना जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका अब आप बनाओ फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आपने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट है, या आपने इसको पहचान लिया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो जैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट पहचाना ना, इसका प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट भी बनाओ आप। हर टेंस को आपको बाकी के दोनों टेंसेज भी इसके बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देखो 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, इसके बाद में 20 क्वेश्चंस और हो गए। हर टेंस को आप जो है ना उसका पास्ट और फ्यूचर साथ ही साथ उसको आप पहचानेंगे, ये काम आज आपको यहाँ पे करना है। 30 नंबर की टोटल एक्सरसाइज है, कोशिश करो 30 में से 30 आने चाहिए, और अगर 30 नहीं आए ना तो लोड नहीं लेना है आपको, ये समझना है आपने गलती कहाँ की है। ज़रूर से मुझे अपना स्कोर अभी कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, इनके पास्ट और फ्यूचर वाले जो है ना वो मैं अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूँ आंसर्स, वहाँ से मैच करने। चलिए मुलाकात लूँगा टेंसेज में एरर के साथ। अभी इस वीडियो के इमीडिएटली बाद में एरर्स की जो है ना पीपीटीज बना रहा हूँ, 3 से 4 पीपीटियाँ बनेंगी 10-10, 15-15 मिनट की, सारी एरर्स मैं टेंसेज पे करवा दूंगा इस पार्ट के इमीडिएटली बाद, आपको इस वीक में मिल जाएंगी। और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें जिन लोगों को आज भी आपको लगता है टेंसेज में प्रॉब्लम है और बच्चों की तरह टेंसेज को सीखना चाहते हैं, है ना। लाइक दें वीडियो को, आगे शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोज़ को और ज़्यादा बनाने का। इजाज़त लूँगा आप सभी से, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर ज़रूर बताएं मुझे, तब तक के लिए साइनिंग आउट।